हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, जुड़ जाइए सभी। क्या हम लाइव हो चुके हैं एक बार आप बता दीजिए, क्या हम लाइव हो चुके हैं एक बार आप बता दीजिए। यस यस लिख दीजिए, हाँ सर आप लाइव हो चुके हो, क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं अपन। बताइए, टेक्निकल इश्यू आ गया है यारों, टेक्निकल इश्यू आ गया है, क्लास लाइव चल रही है ना। चलिए, कौन कौन है क्लास में एक बार यस यस लिख दो। हाँ सर हम क्लास में ही हैं और हमने थोड़ा बहुत इंतजार कर लिया है यारो टेक्निकल इशू आ गया था, बताओ। अब सब कुछ ठीक है ना, अब सब कुछ बढ़िया है, एक बार यस यस लिख दो। हाँ सर हम कहीं नहीं गए आपको छोड़कर और हम यहीं पर बने हुए हैं आपके साथ। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को, है ना। थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो गया था और थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया था यारो, तो ज्यादा यहाँ पर परेशानी की बात नहीं है। और एक बार आप जरा क्लास शुरू हम कर देते हैं धमाकेदार तरीके से। और दिलीप जी, धर्मपाल सिंह जी कैसे हैं आप, रेहान खान जी जुड़ जाइए, परमेश्वर जी वेलकम, सभी जुड़ जाइए यारों। और एक बार क्लास की लिंक को शेयर कर दो, हम भी देख लेते हैं यहाँ से, कोई ज्यादा इश्यू तो आ नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो बिग बिग वेलकम यारों, सभी का वेलकम है। थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि टेक्निकल इश्यू हो गया था और हम थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में आने के लिए, तो सभी का स्वागत करते हैं। देखो आज 7:30 बजे और रात को 11 बजे फ्री लाइव क्लास है, सभी जुड़ जाएगा, है ना। विजय कुमार जी, संदीप जी, धर्मपाल जी, दिलीप जी, रेहान जी, रेणु वर्मा जी, शशांक जी, सत्यम सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सत्यम सर कैसे हैं आप, बड़ा अच्छा लगा आप हमारी क्लास में आए, बहुत ही अच्छा लगा सत्यम सर हमारे बीच मौजूद है। और देखो 6 अप्रैल से कोर्स शुरू हो रहा है, 6 अप्रैल से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी जुड़ जाइए, प्रोफाइल में जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और जितनी भी स्पेशल लाइव क्लासेस, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, रोजाना 7:30 बजे रोजाना 11 बजे फ्री स्पेशल लाइव क्लास होती है यारो, एकदम फ्री है, आप जल्दी से प्रोफाइल में जाइए फॉलो कर लीजिए सबसे पहले तो। और जितनी भी स्पेशल लाइव क्लास है उसमें आप यहाँ पर नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इससे होगा क्या कि क्लास के थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बड़े मजेदार क्लासेस होती है यारो, जनरल साइंस बड़ा मस्त चलता है अपनी क्लास में, तो जरा जुड़ जाइए जल्दी से अनअकैडमी प्लस प्लस। बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जो फ्री लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, अप्रोक्स 20,000 के आसपास फ्री लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है। कोर्सेज के बारे में तो आप सभी जानते हो, फ्री मॉक टेस्ट सभी को देना है, एकदम फ्री है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता लगेगी। अगले मंथ में कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, बैचेस लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पर आनंद वाईटी 10 रेफरल कोड के साथ, ठीक है। नमस्कार करते हैं सभी, जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और देरी किस बात की, सेशन हमारा शुरू करते हैं। वाईफाई स्टडी की क्लासेस आपको मिलेंगी, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है, 3-6 महीने के चक्कर में मत पड़ना, आपको महंगा पड़ेगा। आज की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जल्दी से अनअकैडमी रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट फटाफट लगाना है, ठीक है। हमने 150 क्वेश्चन ऐड किए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है। विजय कुमार जी, नीरज कुमार जी, विजय जी और रेहान खान जी, सभी का दिल से यहाँ पर स्वागत वंदन और अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल है। चलिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है, 206 होती है। अब यारो जल्दी से बता दो मांसपेशियां कितनी होती है, मांसपेशियां कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, हड्डी तो जानते हो 206। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होती है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है, ये जरा जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर मांसपेशी कितनी होती है, टोटल मसल्स इन अवर बॉडी, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी कितनी हड्डियां होती है। ब्यूटी कुमारी जी जुड़ जाइए और लिंक को शेयर कर दो यार एक बार, जरा लिंक को एक बार जरा आप शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीके से, है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। चलिए जुड़ जाइए, मांसपेशियां आपको बताना है। सबसे पहले विजय जी ने बताया है कि सर मांसपेशियां होती है हमारी, क्या बात है क्या बात है, थोड़ा सा हम नीचे झुक जाते हैं काम करते हैं। एक्सियल स्केलेटन और इसमें कितनी कितनी होती है बताना। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होगी आपको ये बताना है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डी होगी यारो। छोटा जो शिशु होता है तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 300 प्लस होती है, लेकिन अपन अप्रोक्स क्या लगाते हैं, 300 लगाते हैं ना। चलिए लेफ्ट साइड में चले जाएं, हाँ यारो ये बात आपने सही कही, हम लेफ्ट साइड में जाएं क्या, चलो अभी इतना ही रहने देते हैं फोकट, उसमें यहाँ पर छेड़खानी करना पड़ेगी, है ना, सब कुछ ठीक है। एक बार लिंकों को शेयर कर दो बस आप, है ना। 300, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, जरा लगाओ यारो।
मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अस्थियां। बड़ा आसान क्वेश्चन है। शशांक जी जुड़ जाइए, पिंटू जी कैसे हैं आप, डिंपल जी, नीरज जी, सभी का वेलकम। लिंक को शेयर किया कि नहीं आपने, है ना? एक्सियल में आई डोंट नो। अरे यार देखो, ये आपकी क्रेनियम में होती है। देखो ये क्रेनियम की बात करेंगे अपन। जो क्रेनियम होता है ना, उसको कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं क्रेनियम को। और एक मजेदार बात हम आपको बताएं, स्कल जो होती है ना, खोपड़ी, इसे हिंदी में तो खोपड़ी कहते हैं, और इसका शुद्ध हिंदी भाषा में उसे करोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करोटी। तो अगर आपको आए ना स्कल में कितनी हड्डियां होती है, तो वैसे तो टोटल 20 होती है। कैसे? कि भैया आपकी कपाल में कितनी हो गई? 8। आपके चेहरे में कितनी होती है? चेहरे में, चेहरा क्या दे, इसको 22 कर लो यारो 14 और 8 22, ठीक है? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। देखो कपाल में होती है 8, चेहरे में होती है 14। मजा आ रहा है क्लास में? बताओ, लिंक को शेयर कर दो यारो, मजा आ जाएगा अच्छी क्लास में, ठीक है? हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे के दौरान। 1 घंटे का सेशन है, बस आपका काम है लिंक को शेयर करना, और हमारा काम है सभी प्यारे बच्चों को मजेदार क्वेश्चन कराना सदाबहार नगमों के साथ। चलिए मनोज जी जुड़ जाइए, यादव जी, सत्यम सर हमारे बीच मौजूद हैं। सत्यम सर का हम यहाँ पे दिल से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर कैसे हैं आप? सत्यम सर हमारे बीच में मौजूद हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां होती है यारो 12, अगर टोटल पूछा जाए तो कितने लगाएंगे? 24। अब मजेदार बात यह है, पसलियों में रिब केज जो होता है ना, रिब केज, उसे रिब केज कहते हैं। 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके जो 7 तक होती है ना, वो ट्रू होती है। 8, 9, 10, 8, 9 और 10 जो होती है ना, वो फॉल्स होती है। वो कैसी होती है? वो फॉल्स होती है। उसके बाद 11 और जो 12 होती है, वो फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग वो होती है, फ्लोटिंग, हवा में तैरने वाली। ब्यूटी कुमारी जी जुड़ जाइए, विजय जी, मोहम्मद जी कैसे हैं आप, परमेश्वर जी, कुशल जी, और सभी आंसर कर रहे हैं हमारे बीच। देखो 11 से 12 फ्लोटिंग, 8, 1 से लेकर 7 ट्रू रिप्स होती हैं, ठीक है? चलिए एक बार जरा आप यहाँ पर लिंक को शेयर कर दो यारो, मजा आ जाएगा। कम से कम 100 बच्चे होना चाहिए, 1 घंटे के दौरान 100 बच्चे तो होना चाहिए ना। अच्छी चीजों को कोई भी शेयर नहीं करता, कोरोना वायरस को सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान को कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। क्लास बड़ी मजेदार चल रही है, बायोलॉजी का सेशन है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारा प्यारा समा है, और लिंक को शेयर कर दो। सबसे प्रबल अस्थि कौन सी हो जाएगी? ये तो बहुत ही आसान है। सबसे प्रबल अस्थि कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है जबड़े की, ठीक है? मनोज जी, डिंपल जी, सभी का वेलकम, लिंक को शेयर कर दो यार। नीरज कुमार जी कह रहे हैं 6 के बाद फ्री क्लास। देखो 7:30 बजे, आज 7:30 बजे और रात को 11 बजे द लेट नाइट शो स्पेशल लाइव क्लास है यारों। बहुत सारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, आप भी जुड़ जाएगा, मजेदार क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ठीक है? सभी जुड़ जाएंगे ना, बिल्कुल जबड़े की। उसके बाद एक थाई बोन होती है, आप जानते हैं ना, फीमर, फीमर जो कि सबसे बड़ी है, उसे थाई बोन कहा जाता है, ठीक है? आपके गर्दन में, आपकी जो गर्दन है ना, एक हेओइड बोन होती है यार, अपनी जो थायरॉइड होता है ना, इसमें हेओइड बोन होती है, हेओइड, याद है ना आपको, यहाँ पे एक हेओइड बोन होती है यहाँ पे। तो अपने शरीर में हेओइड बोन की संख्या एक ही होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके शरीर में हेओइड बोन की संख्या कितनी, एक लगा देना, ठीक? हेओइड बोन की संख्या एक होती है। फीमर आपकी दोनों टांग में मिलेगी, फीमर आपको दोनों टांग में मिलेगी। देखो हाथ पैर 30+30+30+30, ठीक है? ये आपकी हाथों में हो गई, ये पैरों में हो गई, टोटल कितनी हो गई? 120, ठीक है? और 6 हड्डियां कौन सी होती है? ग्रिडल्स होती है, मेखलाएं, ग्रिडल्स, मेखलाएं। तो ये आपका कितना हो गया? 126, ठीक है? ये 126 जो है, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल में कितनी होती है? तो 126 में से, 206 में से 126 गए कितने? 80 बोन एक्सियल में होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 होती है, ठीक है? चलिए, हाँ, हेओइड आपकी ऊपर होती है, यहाँ पर गले के यहाँ पर नीचे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बहुत ही आसान है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को क्या क्या याद रखना है? इसके साथ साथ अपने को इनकस भी याद रखना है, इनकस, इनकस और मेलियस, अपने को इसके साथ साथ इनकस और मेलियस भी याद रखना है, इनकस, मेलियस, स्टेपिस, ठीक है? देखो 3 इधर होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, टोटल कितनी हो गई? 6, इनकस, मेलियस, आपके कानों में टोटल 6 हड्डी होती है, ठीक है? चलिए याद रहेगा, एक बार जरा आप यहाँ पे शेयर कर दो यारो। हाँ बताइए क्या हो गया, सुभाष जी क्या कहा आपने, क्या गलती हो गई बताओ? प्रबल अस्थि सबसे कठोर तो जबड़े की होती है, सबसे कठोर जबड़े की यारो, सबसे कठोर जबड़े की हड्डी होती है प्रबल अस्थि। क्या कैसी भी, कुछ तो भी कमेंट करते हो, कुछ भी कमेंट करोगे, अरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी जो हड्डी होती है ना, सबसे लंबी, वो फीमर की होती है,
वो फीमर की होती है, इसे थाई बोन कहते हैं अपन, सबसे लंबी। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, फीमर सबसे लंबी होती है। चलो सबसे लंबी, लो क्वेश्चन ही आ गया आपका, क्वेश्चन ही आ गया है ना। कुछ भी कमेंट मत करो यारों, है ना, कुछ तो भी कमेंट मत करो, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, है ना। कैसे बच्चे हो आप? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है, सबसे प्रबल सबसे कठोर जबड़े की है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका स्टेपिस सबसे छोटी हो जाएगा, ठीक। चलो फीमर हुआ, फीबिया हुआ, टिब्यूला हुआ, ये आपकी क्या, ये कहाँ पे होती है? आपकी लेग्स में होती है ना, फीबिया टिब्यूला। उसके बाद ये ह्यूमरस, ये आपकी ह्यूमरस आपकी बांह की हड्डी होती है। रेडियस उल्ना, रेडियस उल्ना आपकी हाथों की हड्डी होती है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ये नहीं है वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं है वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है, ध्यान से इसको लगाओ, पैर की हड्डी नहीं है, बाकी सब किसकी है वो भी बता दो फिर। देखो ये आपकी क्या है, ह्यूमरस, ये आपकी हाथ की हड्डी होती है, ऊपरी बांह की, है ना, ऊपरी बांह की। बाकी टीबिया, फीमर, फिबुला, ये सब पैर की हड्डी होती है, टांगों की हड्डी होती है, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हाथ की हो जाएगी, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, ठीक। चलो लिंक को शेयर कर दो एक बार, सभी प्यारे प्यारे बच्चे लिंक को शेयर कर दो जल्दी से, अच्छी चीजों को तो शेयर किया करो, कम से कम 100 बच्चे होना चाहिए क्लास में, कितने, कम से कम 100 बच्चे। ह्यूमरस कहां पर पाई जाती है? ये लो अभी अभी अपन ने किया, क्या जांग में मिलेगी, पिंडली में मिलेगी, ऊपरी भुजा में मिलेगी या फ्रंट में मिलेगी, बताओ कहां पर मिलेगी? तो आप क्या लगाना चाहेंगे जल्दी से लगाओ। मनोज जी, दिलीप जी, संदीप जी, परमेश्वर जी, फुल मस्ती के साथ पढ़ाई, जुड़ जाइए। अखिल कुमार जी, दिलीप राजपूत जी, सभी जुड़ जाइए। ऊपरी भुजा यारो, ऊपर वाला जो अपना ये वाला आम है ना, ऊपरी भुजा, ठीक। चलिए उसके बाद आपका अच्छा बताइएगा कलाई में कितनी हड्डी होती है, कौन बताएगा कलाई में कितनी हड्डी होती है? और लाइक करते जाना, ठीक है, क्लास को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं, दो काम है आपके बस, क्लास को लाइक और शेयर करना, बाकी हम संभाल लेंगे पूरा, ये मैटर आप संभाल लो, बाकी मैटर हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? बिल्कुल 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 मोहम्मद जी, और यहाँ पर शेख कुमार जी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यारों, है ना, और लिंक को शेयर कर दो, है ना। बेकार के बच्चों से दूर रहो, अपने को बेकार के बच्चों से मतलब नहीं है, कुछ बेकार के बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, अपने को बेकार के बच्चों से कोई मतलब नहीं, आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जो भी कुछ भी बेकार की कमेंट कर रहा है, कुछ तो भी बेकार की कमेंट कर रहा है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ना। ये ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो इनको पढ़ना आता है, ना ही पढ़ाई करते हैं, ना ही किसी को पढ़ने देते हैं, बेकार के बच्चों की कमेंट पे ध्यान ना दें, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक है। चलो कलाई में 8 होती है, वेरी वेरी गुड यार, और खोखली होती है, वेरी गुड, धमाकेदार तरीके से। क्लास को लाइक और शेयर करते जाएं, बेकार के बच्चों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये ध्यान भटकाने के लिए आते हैं, ये ऐसे बच्चे ध्यान भटकाने के लिए आते हैं, ध्यान को भटकाना नहीं है, ये क्या करेंगे, खुद पढ़ाई कर लेंगे, आपका ध्यान भटका देंगे, खुद सिलेक्ट हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। चलो तो यहां पर आपका टांग हो जाएगा, है ना, बेकार के फर्जी, इनको अपन क्या कहते हैं, फर्जी स्टूडेंट कहते हैं, फर्जी स्टूडेंट, इनसे बच के रहो, ये जिंदगी के अपवाद हैं, इन्होंने धरती पर जन्म लेके बहुत बड़ा गुनाह किया है। चलो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? लगा दो जल्दी से, किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? चलो वेरी गुड, रेहान जी, दिलीप जी, रेखा जी जुड़ जाइए, विजय कुमार जी, और यहाँ पर नागेंद्र जी, वेलकम वेलकम, सुरजीत जी, मोहम्मद जी, सुदीप जी, सभी आंसर कर रहे हैं। यारो मानव शरीर की हड्डी यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, सबसे लंबी जांघ की होती है, सबसे कठोर जो होता है वो जबड़ा होता है, सबसे यहाँ पर कठोर, ठीक है। रिब केज की अपन ने बात कर ली है। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितनी बोन होती है? स्पाइनल कॉर्ड में बताइएगा कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, जल्दी से बताओ। तबीयत मोटी हो जाती है सा, है ना, क्वेश्चन का नंबर जान के क्या करोगे? देखो प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन का नंबर डाल दिया करो, कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, नंबर से क्या करोगे? आम खाओ, गुटलियां मत गिनो ठीक। चलिए बताइएगा रिब यहाँ पर कितना हो जाएगी? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले, देखो अपनी क्लास में जब जाओगे, जब सवेरा जब क्लास में आ जाओगे तब अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए यारों सभी जल्दी जल्दी, लिंगों को शेयर करना है बस।
दांतों की हड्डियों में एक जो मेन कंपोनेंट होता है जो हार्डनेस लेके आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दांतों की, वेरी गुड वेरी गुड यारो, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बात है क्या बात है। देखो आपका टोटल 26 बोन होती है, वर्टिब्रिट्स की बात करें तो टोटल 33 होती है, और पेयर की बात करें पेयर में कितनी होती है, 31, टोटल में 33 वर्टिब्रिट्स कशेरुकियां, और 26 आपकी क्या होती है, हड्डियां होती हैं, बोन होती है। ये तीनों आंकड़े अपने को याद रखना है, तीनों के तीनों आंकड़े अपने को याद रखना है। हड्डियों में हार्डनेस जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, हड्डियों में जो हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, आपने सुना है कैल्शियम फास्फेट, है ना, कैल्शियम फास्फेट सुना है आपने, कैल्शियम फास्फेट कौन सा होता है, ये हड्डियों में कठोरता लाता है, ये हड्डियों में हार्डनेस लेके आता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक प्रोटीन बताओ यारो, हड्डियों में एक प्रोटीन होता है, कौन बताएगा जल्दी से, एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। अपरजीता जी जुड़ जाइए, वेलकम वेलकम, है ना, हड्डियों में एक प्रोटीन होता है, जल्दी से बताओ कौन सा होता है। चलिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होता है, क्यों कमजोर हो जाती है, क्या कारण हो सकता है, पीडीएफ के लिए मैसेज डाल दो, 9039393924 पर पीडीएफ के लिए हमको मैसेज डाल दो। और अन अकेडमी रेलवे एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है ना वो भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी पीडीएफ और ये सब होती है ना। चलो ओसिन प्रोटीन यारो, क्या बात है क्या बात है, ओसिन प्रोटीन, मजेदार बात यह है कि इसी को कोलेजन प्रोटीन कहा जाता है यारो, इसी को कोलेजन प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए आएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आएगा, वो पूछेगा आपको कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, आपको ओसिन नहीं देगा, तो आपको क्या लगा देना है, कोलेजन प्रोटीन आपको लगा देना है, ठीक है। और भैया कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से, कैल्शियम, वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। कोबाल्ट, अच्छा कोबाल्ट 60 से किसका इलाज करते हो, कोबाल्ट 60 किसका इलाज करने में काम आता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर घेंगा रोग हो जाएगा, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया लोहे की कमी से। यारों एक बार लिंकों को शेयर कर देंगे आज हम आपको, ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे मजा आ जाएगा, एक बार बस लिंक को शेयर कर दो आप जल्दी से, लोहे की कमी से एनीमिया और कोबाल्ट 60 किसके लिए बताएगा। अस्थि में कौन सा लवण पाया जाता है, मस्त क्वेश्चन है ये भी, अस्थियों में लवण अपने को बताना है, लवण लवण लवण, है ना। मोहम्मद जी, अविराज जी जुड़ जाए, रेहान खान जी, दिलीप जी, कैसे हैं आप सभी, एक बार अपने स्टडी ग्रुप में, कैंसर कैंसर कैंसर, क्या बात है कैंसर, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अस्थियों में आपका यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट यारो, देखो अभी अभी तो अपन ने किया था कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है आपको याद रखना है। चलिए कैल्शियम फास्फेट, ये लवण, सोडियम क्लोराइड मत लगा देना, नमक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है यारो, कौन जोड़ेगा, मस्त क्वेश्चन है ना। कितनी मांसपेशियां होती है, तो 639 मांसपेशियां होती है, याद रखना है, 206 हड्डियां होती हैं, बच्चों में 300 प्लस होती है, लेकिन अपन क्या लगाते हैं, 300 लगाते हैं, ठीक। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, हमारे इधर है ना सायरन घूम रहा है। अच्छा कोई कोरोना की रिपोर्ट देगा क्या, लाइव अपडेट ऑफ कोरोना, आप में से कोई रिपोर्ट दे रहा है क्या कोरोना की। गिरजा जी जुड़ जाइए, नागेंद्र जी, रामशरण जी, सुरजीत जी, अविराज जी, शेष कुमार जी जुड़ जाइए, मनोज जी, अपरजीत जी, डिंपल जी वेलकम करते हैं, क्या बात है क्या बात है, नीतू कुमार जी जुड़ जाइए। चलिए यारो, लिंगामेंट लिंगामेंट लिंगामेंट, क्या बात है क्या बात है, सभी का आंसर एकदम धुआंधार जबरदस्त है ना। अच्छा एक गाना याद दिलाओ यारो, एक गाना याद दिलाओ, हम आपको गाना सुनाते हैं, बहुत ही मस्त गाना सुनाते हैं, कोई सा अच्छा गाना याद दिलाइए, सबको खुश कर देंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने, ये तो आसान क्वेश्चन है यारो, है ना। बढ़िया है सर, रेहान जी कह रहे हैं बढ़िया है सर, यारो इसे अपन टेम्परेरी टीथ कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ, आप याद रखना, उसके बाद आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, परमानेंट परमानेंट जो टीथ होते हैं वो आपके 32 होते हैं, याद रखना, ठीक है। टेम्परेरी टीथ ये आपके दो बार टूट के आ जाएंगे, और परमानेंट टीथ होते हैं 32, है ना। चलिए वेरी वेरी गुड, दो पॉजिटिव, अच्छा मुनगर में, अच्छा, क्या बात है क्या बात है, 20 लगा रहे हो अभी जी, सभी ने 20 लगाए हैं, हमने देख लिए कमेंट, क्या बात है क्या बात है यार, 107 मन पॉजिटिव, क्या बात। अच्छा कितने मर चुके हैं अभी तक, कितने मर गए हैं,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, ये तो आसान क्वेश्चन है लगा दो, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम, है ना। ड्यूडेनम बहारो फूल भरसाओ, मेरा महबूब आया है यारो, इसमें विलीज होती हैं, विलीज क्या होती हैं, विलीज होती हैं, ठीक है। चलिए बिट्टू कुमार जी वेलकम, मिस्टर संदीप जी वेलकम। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, कहाँ शुरू हो जाती है, जल्दी जल्दी लगा दो, आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अपना टाइम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सबका टाइम आएगा, लेकिन ये गाना हमें याद नहीं। मुख से शुरू हो जाती है, देखो मुख में कार्ब्स का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है, मुख में कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, स्टमक में होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जितना कमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोल सिस्टम नहीं है यारों, यहाँ पे आप जितनी कमेंट कर सकते हैं उतना कमेंट आप कीजिए, है ना, दिल खोल के, और क्लास को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, लाइक कर देना। मानव की पाचन नली लगभग, देखो अपन ने 9 मीटर याद किया था कि लगभग भैया 9 मीटर होती है और 33 फीट में होती है, अपन ने याद किया था ना, 33 होती है फीट में, मीटर में होती है 9, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, 32 लगा देंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स क्या लगा देंगे, 32 लगा देंगे, है ना। चलो बकल केविटी, हाँ उसी को बकल केविटी भी कहते हैं, इसी को ओरल केविटी भी कहते हैं, बकल केविटी भी कहते हैं, माउथ केविटी भी कहते हैं। चलिए लगा दीजिएगा 32, 32 लगा दो। कोरोना आया, क्या बात है, नमस्कार करते हैं, मुजफ्फर जी कैसे हैं आप, जुड़ जाइए, मजा आया ना, मजा आ रहा है, एक गाना सुनाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। तो यारो 33 फीट होती है, लेकिन देखो एक ओसियोफेगस होता है फूड पाइप, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो ओसियोफेगस होता है ना फूड पाइप, ये 25 सेंटीमीटर का होता है, कितने सेंटीमीटर का, तो ये 25 सेंटीमीटर का होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे प्यारे बच्चों, ओसियोफेगस फूड पाइप, अच्छा बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, व्हाट इज लंबाई ऑफ छोटी आंत, जरा बताना जल्दी से भैया। स्टार्च का पाचन कौन करेगा, देखो अमाइलेज के बारे में बताया हम आपको, फैट का पाचन करता है ये, वसा का, ये वसा का पाचन करता है और पेनक्रियास से निकलता है, कहां से, पेनक्रियास, पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, आप याद रखना। चलिए पेप्सिन एंजाइम आपको स्टमक में मिलेगा, कहां पे, स्टमक में, पेट में मिलता है पेप्सिन, और ये प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। टाइलिन पाचन करेगा, इसको मंड बोलते हैं स्टार्च। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि स्टार्च मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, यारो ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठेगा ही बैठेगा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेल्युलोज हुआ, सेल्युलोज, काइटिन हुआ, काइटिन, सेल्युलोज से सेल वॉल बनती है प्लांट की, काइटिन की फंजाई से बनती है, आपका सेल्युलोज हुआ, काइटिन हुआ, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये कौन से हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल 6 से 7.5, है ना, 6 से 7.5 कर देना, चलो है ना, बने रहिए यारो, मजा आएगा, ठीक है। और लिंक को शेयर करो यारो एक बार, ये सब के सब कौन से सेक्राइड हैं, ये सब के सब पॉली सेक्राइड है, याद रखना एग्जाम में आएगा, ठीक। चलिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा एक पाचन तंत्र का यहां पर हिस्सा नहीं है, जुड़ जाइए सभी, अमित गुप्ता जी जुड़ जाइए, रेहान खान जी, अशोक कुमार जी, पल्लवी जी वेलकम वेलकम, मिस्टर संदीप कुमार जी जुड़ जाइए। चलिए और कौन कौन आया है, विजय कुमार जी वेलकम, पुलिस ने कहा ऐसा, देखो पाचन तंत्र कॉर्निया, ये तो आंख का हिस्सा है यारो, ये अपन आंखों को जब दान देते हैं ना, जब आंखों को दान दिया जाता है तो कॉर्निया दान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका लीवर हुआ, गैल ब्लेडर हुआ, इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत हुई आपकी, यहाँ पे तो भोजन का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गैल ब्लेडर में आपका जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस वो स्टोर होता है, स्टोर होता है, स्टोर संग्रहण, लीवर में बनता है, लीवर में प्रोडक्शन होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब लगा रहे सभी ना, पल्लवी जी, राहुल जी, अशोक जी, परमेश्वर जी, सभी ने एकदम सही जवाब लगाया। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं यारों, बताइए, ये क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था, आपको गलत नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन हमने आपको
कल भी कराया था यार, कल भी कराया था, बताओ। कल भी अपन ने क्वेश्चन किया था ना, बताओ। चलिए, तो शरीर के एंजाइम आवश्यक होते हैं। देखो, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सबसे पहली बात, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, और ये एक कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं। ये किसकी भांति काम करते हैं? ये एक कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं यारो, ठीक। देखो, कैटलिस्ट का खोज यहां पर बर्जिलियस ने किया था, ठीक है। कैटलिस्ट का खोज यहां पर बर्जिलियस ने किया था, आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं? अभिक्रिया को तेज भी कर देते हैं, मंद भी कर देते हैं, है ना। तो आपके पेट में जाके क्या हो जाती है? अभिक्रिया तेज हो जाती है, भोजन जल्दी जल्दी पकता है ना। दिलीप जी, संदीप जी, संतोष जी, रेहान खान जी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एज अ बायो कैटलिस्ट, बायो ट्रांसमीटर की भांति काम करते हैं, ठीक है। और एंजाइम किसके बने होते हैं? ये पाचन के लिए काम करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भोजन का पाचन करने के लिए कौन आवश्यक? तो एंजाइम आवश्यक, ठीक है। बायो कैटलिस्ट, बायो ट्रांसमीटर, भैया प्रोटीन को पचाने वाला, लगा दो जल्दी से। मस्त क्वेश्चन है ये तो, आसान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, गलत हो गया है ना, धीरे धीरे सही हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है यारो, ठीक है। उसके बाद रेनिन आपका क्या करता है? दूध का पाचन करता है, दूध का, ठीक है, आप याद रखेंगे। और 7:30 बजे, 7:30 बजे और रात को 11 बजे जुड़ जाना सभी, ठीक है। फ्री क्लास है, स्पेशल लाइव क्लास है, सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं, बर्जिलियस यूरिया वाले नहीं है रेहान खान जी, बर्जिलियस तो कैटेलिस वाले हैं। यूरिया की डिस्कवरी की थी, यूरिया खाद की, फ्रेडरिक होलर ने। फ्रेडरिक होलर ने यूरिया की डिस्कवरी की थी, अमोनियम साइनाइड कहा जाता है, और 1828 की बात है, ठीक है। NH2CO NH2, ये यूरिया का फुल फॉर्म होता है, और ये इसका फार्मूला है वैसे, और अमोनियम साइनाइड इसे कहा जाता है। और भैया पोषक तत्व कहाँ पर अवशोषित होंगे? वेरी वेरी गुड, सी लगा रहे हैं सभी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बात है। चलिए, लिंक को शेयर कर दो यारों। पेप्सिन एंजाइम के बारे में मजेदार बात यह है कि ये ब्लड क्लोटिंग में भी सहायता करता है। वो था ना अपना पेप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन का पाचन भी करता है और ब्लड क्लोटिंग में भी सहायता करता है, ये अपने को याद रखना है। वाइटामिन के हुआ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हुआ, ये सब क्या है ना, ये ब्लड क्लोटिंग में सहायता करते हैं। हिपेरिन, हिपेरिन जो है आपका, हिपेरिन, हिपेरिन जो है वह क्या करेगा? वह एंटीकोगुलेंट की भांति काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पचाती है। चलो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? मस्त क्वेश्चन है ये भी, पल्लवी जी, विजय कुमार जी, विष्णु जी और टीके राम जी, जुड़ जाइए, है ना। पल्लवी जी, अवनी जी, त्रिशरण जी हमारे बीच मौजूद हैं, स्वागत करते हैं। परमेश्वर जी, अशोक जी आंसर लगा रहे हैं, सभी आंसर लगाओ यारों। देखो, उधर अपन पोल में आंसर लगाते हैं, अपनी जो स्पेशल लाइव क्लास होती है वहां पे पोल में आंसर लगाते हैं। यहाँ पे तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन, जितना कमेंट सेक्शन का यहाँ पर आप यूज कर सकें, और क्लास को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। दो काम है आपको, दो काम करना है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहो यारो, है ना। चलो, नेट एंड हो गया, कोई बात नहीं यारो, है ना। अवनी जी जुड़ जाइए, थैंक यू वेरी मच अवनी जी, वेलकम वेलकम, है ना। चलिए, सभी ने एकदम सही लगाया है, टाइलिन, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए, देखो ये टाइलिन होता है, ये दूध को पचाएगा यारो, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? देखो, हमने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया अगर भोजन को पचाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ। भोजन को पचाना है, किसकी जरूरत पड़ेगी, और ये किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम। अच्छा, आप जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा या लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, छोटी आंत में होगा या बड़ी आंत में होगा? बीएमजी जुड़ जाइए, कैसे हैं आप बीएमजी, क्या हालचाल? इंदु कुमारी जी गुड आफ्टरनून करते हैं, सभी का वेलकम यारो, सभी जुड़ जाइए, है ना। हम तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, बताओ, सभी का वेलकम कर रहे हैं, है ना, सभी जुड़ जाओ। अमन जी जुड़ जाइए। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। लार किसके पाचन में सहायता करेगी? जुड़ जाइए जल्दी से, लार किसके पाचन में सहायता करेगी? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फैट? मस्त क्वेश्चन है ये भी, है ना। रेहान खान जी ने सबसे पहले बताया है, इतना लेट आंसर करते हो, ठीक है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, वेरी वेरी गुड। तो देखो यारो, लार्ज आपका, देखो एक तो यहां पर स्टार्च का पाचन किसकी वजह से होता है? टाइलिन की वजह से होता है, ठीक है। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है, वो आपका
कीटाणुओं को मारने का काम करता है, वो आपके सलाइवा में होता है। आपकी आंखों में भी लाइसोजाइम होता है, पता है क्या आपको? आपकी आंखों में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरियाज को, जीवाणुओं को मारता है। आपकी लार में भी होता है, आपकी आंखों के आंसुओं में भी होता है। गुड आफ्टरनून करते हैं संजू जी, कैसे हैं आप? जुड़ जाइए, है ना। एक बार लिंक को शेयर कर दो यारों, लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए देखो, मानव के अमाशय में कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, अपन ने उसका नाम क्या रखा? एक्स। कोई एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है जो अमाशय में है, आपके स्टमक में है। अब भैया वो एक्स नाम का प्रोडक्ट भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। अब उस एक्स नाम के प्रोडक्ट का नाम क्या है ना। चलिए संजू भाई कैसे हो, इंदु जी पूछ रहे हैं, बता दो इनको जल्दी से, है ना। कमल जी कह रहे हैं हेलो सर आई एम न्यू। अरे अपनी क्लास में कोई भी नया नहीं, सब पुराने हैं, ठीक है। सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सब पुराने हैं, जुड़ जाओ जल्दी से यारो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, यह पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है। अम्लीय वातावरण, अम्लीय वातावरण। अब देखो हमने आपको एक क्वेश्चन याद कराया था, हमने आपको एक क्वेश्चन याद कराया था कि पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला, पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला एक कौन सा अंग है, उस अंग का नाम बताइए। एक ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो पेट की अम्लीयता को दूर करता है, हम आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में देखते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं कि कौन पेट की अम्लीयता को दूर करेगा, उस ऑर्गन का नाम बताने वाला बंदा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में भोजन द्वारा, भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण हो रहा है। मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण हो रहा है यारो, ठीक है। कहां पे जल्दी से बताओ, है ना। देखो लाइक करते जाओ, क्लास को लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ यारो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। बस्तियां सहमी हुई, सहमा सहमा वतन सारा है यारो, बस्तियां सहमी हुई, ठीक है। सहमे सहमे से हैं सब, है ना, तो घर में रहना है। बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब जो बरसाएंगे, है ना, आग बरसाना है ताकि ये कोरोना वायरस जल जाए, ठीक है, आग बरसाएंगे यारों। छोटी यार सभी का एकदम सही है। और यारों लीवर होता है ना, बताओ लीवर होता है ना, लीवर होता है ना पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला, बताओ। हाँ कैद हो गए घर में, सब कैद हो गए ना। देखो लीवर क्या होता है, जो जूस निकालता है ना उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, याद रखना। जो लीवर जो जूस निकालता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, जो भोजन को पचाने, तो वहां पर एसिड और बेस की अभिक्रिया हो जाती है, अपन ने कल भी देखा था यारों। लीवर लीवर लीवर, स्टमक में ही प्रोटीन का पाचन होता है, आप याद रखेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? स्टमक में। और पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए प्रोटीन का पाचन अभी अभी हमने आपको बताया है ना। चलिए मजा आ रहा है क्लास में, चलो अच्छे से रिवीजन करने के लिए आप 7:30 बजे भी जुड़ जाना और रात को 11 बजे भी जुड़ जाना, ठीक है। और क्लास को लाइक करते जाओ यारों, है ना, सेशन को लाइक करते जाइए, मजा आएगा हमको भी। देखो लाइक से क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सर क्या होगा लाइक से, हम लाइक कर देंगे तो इससे हमें एनर्जी मिलती है यारो। हमारा जो एनर्जी का जो मसला है वो लाइक और शेयर से आता है। आप क्या करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे क्लास में होंगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। हमने आपको अभी अभी बताया था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। स्टमक, और स्टमक को क्या कहते हैं अपन, पेट को क्या कहते हैं? उदर। और ये कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल केविटी में होता है। कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल केविटी में, ठीक है, याद रहेगा। स्टमक आपका कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल केविटी, उदर कहते हैं उसे। चलो, छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा। बकल केविटी, बकल केविटी, माउथ केविटी, ओरल केविटी, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका कार्ब्स का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। ग्रास नली, जिसे फूड पाइप कहा जाता है, फूड पाइप, फूड पाइप ओसियोफेगस, इसका 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। आपके अमाशय में से जो भी रस निकल रहे हैं वो बड़ी आसानी से पचा लेंगे, लेकिन अमाशय इन स्वयं स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्या कारण है यारों? स्वयं अप्रभावित रहता है, क्या कारण है जल्दी से बताइए। देखो क्या कारण है कि वहां पर श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है यारो, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। इसलिए यहां पर आपका अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, ठीक है।
चलिए, म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है जिसमें से गैस्ट्रिक ग्लू यहाँ पर जूस निकलता है। ठीक है, तो मजेदार क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ, देखो जो भी आपका भोजन पच रहा है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस आपके इकट्ठे हो रहे हैं, उनका चूषण कौन करेगा, उनको डाइजेस्ट कौन करेगा, उनका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा। मस्त क्वेश्चन है ना, बताइए यारों, जल्दी से लगाओ। अरे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मोबाइल से आता है क्या? तो एक काम करो, मोबाइल चलाना बंद कर दो। चलिए यारों, है ना, उधर उधर क्या है? अभी तो बताया हमने, उधर ही पेट है। चलो, तो यहां पर यकृत यारों सबसे ज्यादा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ बनता है, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ जमा होता है, सबसे ज्यादा यूरिया का एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, तो आप लीवर लगाएंगे, किडनी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, मीणा जी बता रहे हैं सर, यहाँ पर मोबाइल से नहीं होता है ना। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग यारों, दूर दूर रहिए एक दूसरे से। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, लीवर, किडनी बनता है आपका रेनाल सेल से, रेनाल सेल से किडनी बनता है, लीवर बनता है आपका हिपेटिक सेल से, हिपेटिक सेल से आपका लीवर बनता है, पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड, स्टमक में आपका प्रोटीन का पाचन होता है, याद रहेगा। चलिए, सर बंद कर दूंगी तो पढ़ूंगी कैसे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल से नहीं होता यार हो। हाँ, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और अगर वह मोबाइल चला रहा है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और वह मोबाइल चला रहा है, उसका मोबाइल आपने पकड़ लिया तो काम डल जाएंगे। पेप्सिन एक है यारों, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। यार आप शेयर नहीं कर रहे हो, बताओ। अच्छा जरा यस यस लिखना, एक बार यस यस लिखना, किस किस ने हमारी क्लास को शेयर किया है अपने स्टडी ग्रुप्स में, एक बार यस यस लिखें, हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन ईमानदार है, कौन कौन हमें गुरु दक्षिणा देना चाहता है। यारो, गुरु दक्षिणा के रूप में हम कुछ नहीं मांगते, बस आप क्या करें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, चलिए, अगर अपन हार्मोन्स की बात करें, देखो एंजाइम क्या होते हैं यारों, एंजाइम एंजाइम आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों से क्या निकला करते हैं, एंजाइम निकला करते हैं। हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला करते हैं, एंडो एंडोक्राइन, जिसे अंतः स्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो, बाकी तो वाइटामिन्स, जलाने पर सबसे ज्यादा वाइटामिन नष्ट होते हैं और वाइटामिन सी आपका बहुत ज्यादा नष्ट होता है। विटामिन सी, नींबू पानी आपको पीते रहना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, नींबू पानी पियो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ठीक है, चलिए यारों आगे चलते हैं। पेप्सिन बदल देता है, मस्त क्वेश्चन आया है ना। वाह वाह भैया, हमें शेयर ही नहीं करना आता। देखो यहां पर किस किस ने शेयर किया है, धीरज जी ने शेयर किया है, राहुल जी ने शेयर किया है। अच्छा, हाउसवाइफ है ना, तो यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ाई करो यार, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और आप लिंक को शेयर करते नहीं हो, बताओ, ये बहुत गलत बात है आपकी ना। किरण जी ने यहाँ पर शेयर कर दिया है, राहुल जी ने, मुकेश जी ने शेयर कर दिया है, बाकी सब कहाँ चले गए बताओ, बाकी सब कहाँ चले गए। पेप्सिन आपका, पेप्सिन क्या करेगा बताओ, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, और जुड़ जाओ जल्दी से आनंदमन रेफरल कोड के साथ। ठीक है, क्लास एंड नहीं हुई है, ठीक है, आनंदमन रेफरल कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज 7:30 बजे और रात को 11 बजे क्लास है, रोजाना क्लास होती है। ठीक है, रोजाना अनअकैडमी प्लस पर 7:30 और 11 बजे क्लास होती है। ठीक है, आज भी होगी 7:30 बजे, फ्री लाइव क्लास है, एकदम फ्री, मजेदार रिविजन कराएंगे। ठीक है, जुड़ जाना सभी जल्दी से, और जल्दी से फॉलो कर लो प्रोफाइल में जाके, रेफरल कोड यूज कर लो, आनंद भाईटी 10 या फिर आनंद 1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बिहारी हैं, बिहारी भैया, बिहारी भैया, बिहारी, चलो बिहारी भैया हमारे बीच शामिल हैं, स्वागत करते हैं। तो भैया, पाचन क्रिया में प्रोटीन आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अच्छा, ऐसा, दूरदर्शन। अच्छा, गिरजा जी कह रहे हैं सर मैंने भी तो किया है शेयर, है ना, और लाइक करते चलो यारो, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बस दो चीजें मांग रहे हैं।
तो भैया अमाइनो एसिड, अपने शरीर को 20 अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें असेंशियल अमाइनो एसिड कितने हो गए 9, नॉन असेंशियल कितने हो गए 11, ठीक है, ये अपने को याद रखना है यारों, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जब प्रोटीन का पाचन होगा तो अमाइनो एसिड्स में बदलेंगे, ये अपने को याद रखना है। अच्छा, संजू जी एमपी से हो, अच्छा कौन कौन कहां से यारों, कौन कौन कहां से, हम देखना चाहते हैं। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आप जरा बताइए कौन कौन कहां से, कौन कौन कहां से। अच्छा आप भी बिहार से हैं, आप बताइए, हम देखना चाहते हैं कौन कौन कहां से यारों, हमें पता तो चले। चलो तो भैया ग्लाइकोजन को कार्ब्स के रूप में जमा करेगा कौन, जमा करेगा, मस्त क्वेश्चन है ना ये तो, लीवर, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा बताओ, हमने अभी अभी आपको याद कराया था ना कि ग्लाइकोजन मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, हमने अभी अभी याद कराया था ना। चलिए तो अमन जी है पंजाब से, दिलीप जी हैं गुजरात से, अनमोल जी कहाँ से हो आप, शेष कुमार यादव जी एमपी से, उज्जैन से, क्या बात है, अहमदाबाद उड़ीसा, हम उज्जैन से हैं, किशोर जी राजस्थान, डिंपल जी क्या बात है, उदयपुर महाराष्ट्र, परमेश्वर जी मुरादाबाद क्या बात, गुजरात वडोदरा, लीवर 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 है ना, झारखंड, गोरखपुर, बिहार बिहार, लीवर लाहौर, अरे अनमोल कुमार जी पाकिस्तान से भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, क्या बात है ना, पाकिस्तान से भी यहाँ पर हमारे बीच विद्यार्थी जुड़े हैं, लाहौर से बताओ, मतलब पूरा इंडिया। अच्छा आप यूएसए से, अमेरिका से भी हमारे बीच जुड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भतीजे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के भतीजे हमारी क्लास में शामिल, मुरादाबाद वडोदरा कानपुर, विपिन कुमार जी, अनमोल जी क्या बात है। तो भैया पित्त तो यकृत, देखो इसका फॉर्मेशन लीवर करेगा, गेल ब्लेडर की अगर अपन बात करें, गेल ब्लेडर, गेल ब्लेडर में आपका स्टोर होगा जाके, ठीक है, स्टोर होगा जाके, यकृत आपकी लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, बाह्य श्रावी ग्रंथि है, डक्ट वाली है याद रखना। मुरैना क्या बात है, ग्वालियर, अच्छा, ऐसा हैदराबाद अनमोल जी लाहौर से हैं, क्या बात है यारो, बाइल जूस जमा होता है, ये अभी अभी अपन ने किया है यारो, गेल ब्लैडर में है ना, बाइल जूस कहाँ पे जमा होता है, गेल ब्लैडर में। ड्यूडेनम ये ग्रहणी कहते हैं इसे, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मुकेश सिसोदिया जी क्या बात है, क्या बात है, दुर्गा कॉलोनी उज्जैन, मुकेश जी हमारे भी शामिल हैं, क्या बात है उज्जैन से ही हमारे भी शामिल हैं, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खुशी हुई उज्जैन वालों को देखकर। यारो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है ना, बाइल जूस, क्या बात है, क्या बात है, सिसोदिया जी भी हमारे भी शामिल हैं, क्या बात है, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। यारो वसा का पायसीकरण करना, मिल्क भी क्या होता है ना, वसा का पायसीकरण करना, दूध भी आपका पायस का उदाहरण है ना। चलिए, अरे सिसोदिया जी गुप्ता जी कहाँ से, हमारे अतुल गुप्ता जी, अतुल गुप्ता जी को जोड़िए आप जल्दी से, अतुल गुप्ता जी को जोड़िए, सिसोदिया जी अतुल गुप्ता जी को जोड़िए, उन्हें यहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिए एक बार। सर्वप्रथम आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, देखो ये सर्कुलेशन है यारो, सर्कुलेशन है, शेष कुमार जी, धीरज सिंह जी जुड़ जाइए, है ना, सिसोदिया जी एक बार आप शेयर कर देना यार, है ना, गुप्ता जी को। चलिए तो रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे सन, देखो ये सन आपका, हम आपको एक सन याद दिलाएं, 1628 की बात है, 1628 की बात है, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, लैंड डिशनर के बारे में हम आपको एक मजेदार बात बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम आप जानते ही नहीं होंगे कि लैंड डिशनर ने सन 1900 से 1901 में आपका सिर्फ ए ग्रुप बी ग्रुप और ओ ही खोजा था, सिर्फ ए बी और ओ ही खोजा था, जो ए बी ग्रुप था ना, ए बी ग्रुप ये दूसरे बंदे ने खोजा था, उस बंदे का नाम कोई जानता हो तो बताइएगा, है ना। तो लैंड इस्नर ने 1900 से ये ब्लड ग्रुप खोजे थे यारों, ए ग्रुप बी ग्रुप, लेकिन ए बी ग्रुप जो है ना वो किसी और ने खोजा था, आप बताइए किसने खोजा था, हम यहां पर देखना चाहेंगे, है ना। जय हिंद वंदे मातरम जुड़ जाइए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सॉरी की तो कोई बात ही नहीं यारो। पेसमेकर का संबंध किससे है, देखो जो सीनो एट्रियम नोड होती ना, क्या आपने यहाँ पे सीनो
एट्रियम नोड का नाम सुना है क्या? सीनो एट्रियम नोड, सीनो एट्रियम नोड, उस गांठ को ही, उस नोड को ही आप पेसमेकर कहते हैं। एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा SAN, सीनो एट्रियम नोड, ठीक है, हृदय में, याद रहेगा। अरे हम अनअकैडमी पर नहीं मिल रहे, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता यारो, हम अनअकैडमी पर हैं पिछले 6-8 महीनों से, और 7:30 बजे क्लास होगी, ठीक है, 7:30 बजे और रात को 11 बजे, द लेट नाइट शो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मजेदार रिवीजन लगाने के लिए जुड़ जाइए, 7:30 और 11 बजे फ्री लाइव क्लास है यारो। पेसमेकर का काम क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ SAN, अशोक कुमार जी सही कहा आपने, है ना, बिल्कुल, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। अच्छा हम उज्जैन से हैं, अपराजिता जी हम उज्जैन से हैं, ठीक है, उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, चलिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना है यारो, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये भी आसान क्वेश्चन है, किडनी, देखो किडनी रेनाल सेल से बनी होती है, ब्रेन की जो नर्व सेल होती है वो इसकी इकाई है, हार्ट, हार्ट आपका यहाँ पर, इसका यहाँ पर बीट्स पर सेकंड है ना, इसकी यूनिट होती है, द लंग्स, लंग्स आपका इसमें यहाँ पर आपको क्या एल्वियोली मिलेंगे, एल्वियोलीस, तो भैया हृदय आपका, मेड्यूला एब्लोंगेटा जानते हो, मेड्यूला ओब्लेंगेटा जानते हो क्या, मेड्यूला ओब्लेंगेटा के बारे में सुना है आपने, है ना, हाँ फॉलो कर लेना यार, देखो आनंद पांचाल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जाइएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो का बटन दबा देना, आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक, चलिए, तो मेडुला ओब्लेंगेटा सांसों की गति और हृदय गति को नियंत्रित करता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, चलो, हृदय गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, हृदय गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर को जांच करने के लिए आप यहाँ पर स्फाइग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं, सांसों की गति, सांसों की गति को मेजरमेंट करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर है एड्रिनो स्टार्ली और डेस्केस्टिलो, एड्रिनो स्टार्ली और डेस्केस्टिलो, ए बी जो ग्रुप खोजा था ना वो एड्रिनो स्टार्ली और डेस्केस्टिलो ने खोजा था, बाकी ए बी और ओ जो ग्रुप है वो आपके लैंड स्टर ने खोजा था, ये अपने को याद रखना है ना, चलिए, ब्रेन में अपने बहुत सारे काम को रेगुलेट करता है, बिल्कुल बिल्कुल खान साहब एकदम सही कहा आपने, है ना, चलिए, तो आपको याद रखना है ए बी ग्रुप एड्रिनो स्टार्ली डेस्केस्टिलो, भैया रक्तदाब, स्फाइग्नोमैनोमीटर धमनियों का मापा जाता है, अच्छा आपको वॉल्व कहाँ मिलेंगे, वॉल्व एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको वॉल्व कहाँ मिलेंगे, धमनियों में मिलेंगे या शिराओं में मिलेंगे, अच्छा बताइएगा कि वॉल्व आपको कहाँ पे मिलते हैं, धमनियों में मिलते हैं कि शिराओं में मिलते हैं, है ना, बताइए, हम यहाँ पे कमेंट देख के उसका स्वागत करते हैं, वॉल्व कहाँ पे मिलेंगे यारो, वॉल्व कहाँ मिलेंगे, एक बार जरा लिंक को शेयर कर दो, 5-10 मिनट की क्लास और बची है यारो, सोते समय रक्त का दाब, सोते समय रक्त का दाब, हाँ अनमोल जी, अवनी जी, हर्ष जी, सोते समय रक्त का दाब है ना, तो सोते समय रक्त का दाब तो यारो घटता है, दौड़ लगाते समय, पहाड़ पे चढ़ते समय, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या घटाने वाली ग्लैंड कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या घटाने वाली कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है, रक्तचाप का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक, चलिए यारो, वॉल्व आपको वेन्स में मिलेंगे, शिराओं में, शिराओं में वॉल्व मिलेंगे, धमनियों में, धमनियों में वॉल्व नहीं होते, शिराओं में, देखो क्यों होते हैं वॉल्व हम आपको बताते हैं, जैसे धमनियों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व है ना, तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड आपका बह रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में ना चला जाए, रिवर्स डायरेक्शन में ना चला जाए, इसलिए क्या होते हैं, शिराओं में वॉल्व होते हैं, अब देखो धमनियों में तो वॉल्व होते नहीं है, धमनियों में तो वॉल्व, अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में चला भी गया तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं, चलो, रुधिर का दाब, स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये तो अभी अभी किया था अपन ने, ईसीजी का फुल फॉर्म बताओ, बताइए ईसीजी का फुल फॉर्म, इससे तो इसको, इससे हृदय गति सुनी जाती, अच्छा बताइएगा अपने हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, अपने टोटल हृदय में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कुल कितने वॉल्व होते हैं, अपने हृदय में कुल कितने वॉल्व होते हैं बताओ, आप सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो तो यारो अपनी क्लास में आने के बाद हर क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, अपनी क्लास में आने के बाद हर क्वेश्चन आसान हो जाता है,
अपनी क्लास में आने के बाद हर कठिन से कठिन क्वेश्चन सरल महसूस होता है। अपनी क्लास में आने के बाद आपको दुनिया रंगीन महसूस होती है, दुनिया मजेदार दिखती है। जितना रंग भर सको अपनी जिंदगी में उतना रंग भरो। आप हमारी क्लास में आएंगे ना तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सरल लगेंगे, क्योंकि हम आपको खोपड़िया में फिट कर देते हैं, आपके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन याद करा देते हैं हम आपको। ठीक है, चलो है ना। हृदय में चार वोल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। अब बताओ जार्विक सेवन क्या है। अच्छा, एक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिश की थी हार्ट ट्रांसप्लांट की, जरा बताओ। हाँ डिंपल जी, चार वोल्व होते हैं है ना। चलिए, सॉरी सर कमेंट नहीं कर सकते, खाना बना रही हूं। कोई बात नहीं, खाना बना लो। क्या बना रहे हो वैसे डिनर में? और एक अच्छा गाना याद दिलाइए, हम यहाँ पे सभी को एक मजेदार गाना सुनाते हैं। गाना याद दिलाइए तो यारो। क्रिश्चियन बनाड, किस किस को याद आया? क्रिश्चियन मनाड, हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रो एसेनोफेलोग्राम, वो आपकी ब्रेन की होती है। इलेक्ट्रो एसेनोफेलोग्राम लगाना, ग्राफ मत लगाना। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम लगाना, ग्राफ मत लगाना। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, चार वोल्व होते हैं। हाँ, दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड है ना। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व होते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया लबडब का साउंड किससे आता है, तो जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व खुलते हैं और बंद होते हैं ना, तो लबडब का साउंड होता है लबडब। लब और डब, मजेदार बात यह है कि जब सिस्टोल होता है ना तो लब साउंड आता है, और जब डिस्टोल होता है तो डब साउंड आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आया ना? लब डब ध्वनि किसके, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया यार। देखो, लब आता है सिस्टोल से, डब आता है डिस्टोल से, आप याद रखेंगे। और लब डब ध्वनि हृदय से संबंधित है ना, हृदय से संबंधित है। ओसियोफेगस की लंबाई बताओ। इसियोफेगस, ओसियोफेगस फूड पाइप कहा जाता है, हमने आपको याद करा दिया है। इसियोफेगस की लंबाई कितनी होती है, सबका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन, वो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लंग्स की यूनिट होती है एल्वियोली, एल्वियोली यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और देखो, जब लंग्स और रक्त में रिस्पायरेशन हो, जब रक्त और फेफड़ों में रिस्पायरेशन हो, रक्त और फेफड़ों में, तो उसे क्या कहा जाता है? रक्त और फेफड़ों में उसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहा जाता है। जब रक्त और फेफड़ों के बीच रिस्पायरेशन हो तो उसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहा जाता है। जब रक्त और कोशिकाओं के बीच में रिस्पायरेशन हो, रक्त और कोशिकाओं के बीच में, तो उसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। बताओ, मजा आया ना आज की क्लास में? चलिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 ना लगाओ, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बताओ, अच्छा लगा? अब आप रात को 7:30 बजे भी जुड़ जाना। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, ये रिमेनिंग क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं, देखो 7:30 बजे और 11 बजे रोजाना, रात को 7:30 बजे और 11 बजे फ्री लाइव क्लास होती है, आप सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, रोजाना होती है, रोजाना। आज भी 7:30 बजे होगी। उसके बाद आप प्रोफाइल में जाइए, फॉलो कर लीजिए जल्दी से। विमलेश सर, विकास सर, सब फ्री लाइव क्लास रह रहे हैं। सत्यम सर, सबकी फ्री लाइव क्लास आप अटेंड कीजिए, बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। हमको पता है आपको सब आता है, आप बहुत ज्ञानी है, आप बड़े इंटेलिजेंट है, आप तो पुरुष ही नहीं, आप तो महापुरुष हैं, आपको सब आता है यारों। ठीक है, लेकिन आप रिवीजन करने के लिए जुड़ जाया करें। रिवीजन से आपको महसूस होगा कि हाँ यार, मैंने पढ़ाई की है और मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आनंद वाईटी 10 या फिर आनंद वन, ANAND, आनंद वन रेफरल कोड यूज कर लो, या फिर आनंद वाईटी 10 रेफरल कोड यूज कर लो। जल्दी से जुड़ जाओ अनअकैडमी प्लस पर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि 5,400 रुपए में 2 साल कौन पढ़ाएगा आपको? कोई नहीं पढ़ाएगा 5,400 रुपए में 2 साल। जब सब कुछ पढ़ लोगे, जान लोगे, ठीक है, जब सारे क्वेश्चन याद होंगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, वायरस से आप सभी को बच के रहना है। ठीक है, संजू मीणा जी, आपको भी बच के रहना है, और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को घरों में रहना है। ठीक है, आनंद वन रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भैया जुड़ना ना भूले, 7:30 बजे और 11 बजे फ्री लाइव क्लास होगी अनअकैडमी प्लस पर। अभी तक अगर लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किए, जल्दी से इंस्टॉल करो और लॉगिन मार लो जल्दी से। आप रेलवे कैटेगरी को सिलेक्ट करें, रेलवे कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करें, आप 2 साल को सिलेक्ट करें। एंटर रेफरल कोड में आपको क्या लगाना है? ANAND, आनंद वन या फिर आनंद वाईटी 10, इन दोनों में से कोई सा भी रेफरल कोड लगा दीजिएगा। वाईटी का मतलब होता है यूट्यूब, और 10 लगाना है, यहाँ पे 1 लगाना। ठीक है, और आप हमें मैसेज डाल दो जल्दी से, 9039393224 पे मैसेज डाल दो, 9039393224 व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो।
ब्रॉडकास्ट बनाया है, जुड़ जाइएगा ठीक है। अभी सबकी कमेंट पढ़ते हैं यारो, हम हमारी बात खत्म कर ले फिर सबकी कमेंट पढ़ते हैं। अनअकैडमी रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लासेस की डिटेल्स, क्लासेस की लिंक्स ये आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अनअकैडमी रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लें ठीक है। कहाँ गया अपना टेलीग्राम चैनल? और भैया आज की क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हम आपको एक मजेदार गाना सुनाएंगे ठीक है। आप प्लस पे आ जाएंगे तो आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से, एजुकेटर यारों, जिससे पढ़ना उससे पढ़ो ठीक है, अच्छे से पढ़ो। फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को देना है, याद रखना फ्री मॉक टेस्ट सभी को देना है। ऑल इंडिया रैंकिंग पता लगेगी ठीक है। आनंद भाईटी 10 रेफरल कोड यूज कर लो जल्दी से, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है। चलिए अब हम कमेंट पढ़ते हैं, सभी की कमेंट पढ़ते हैं। अरे लड़ाई मत करो, अवनी जी लड़ाई नहीं करते, अनमोल जी लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते यारो, झगड़ा नहीं करते। अरे सौरभ जी कैसे हैं आप, क्या हालचाल? सौरभ जी हमारे बीच आ चुके हैं उज्जैन से, और सौरभ जी वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? तो यारो जल्दी से जुड़ जाओ यारो, है ना, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना ठीक है। एक गाना याद दिलाओ, एक गाना सुनाते हैं सभी को ठीक है। कोई सा अच्छा गाना याद दिलाइए, फिर विदा कहते हैं सभी को, सभी को विदा कहते हैं, अलविदा कहते हैं, है ना। और जुड़ जाना 7:30 बजे ठीक है, फ्री लाइव क्लास है, मजेदार क्लास होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जादूगर बना देंगे। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ये कोई गाना हुआ? चलिए, मुस्कुराने की वजह तुम हो, एक नंबर। सौरभ जी कह रहे हमारे एक नंबर, उज्जैन से जुड़े हैं। और भैया सभी को घर में रहना है, स्टे होम यारो, स्टे सेफ ठीक है। हमें भी पुलिस पकड़ के ले गई थी, बड़ा बड़ा बच के हम निकल के भाग के आए हैं वहां से। चलिए, अरे हालात खराब चल रहे हैं यहाँ पे, शेष कुमार जी हालात बड़े, मतलब यहाँ पे है ना पुलिस डंडे मार रही सबको, तो स्टे होम यारो, बी सेफ है ना। वही गाना सुना देते हैं मजेदार, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। तो जिंदगी मौत ना बन जाए, अपने घरों में रहना है अपने को ठीक है, वाट ना लग जाए तो अपने घरों में रहना है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। अरे सौरभ जी थैंक यू वेरी मच, लिंक को शेयर कर देना यारो और लाइक करते जाना ठीक है। चलो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री लाइव क्लासेस चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर ठीक है। हम आपको फिर से बता देते हैं, आज रात को 7:30 बजे जुड़ जाना भाई और बहनों, आज रात को 7:30 बजे जुड़ जाइएगा सभी प्यारे प्यारे बच्चे, कहाँ पर? अनअकैडमी प्लस पर, फ्री लाइव क्लास है ना। कम से कम 20,000 फ्री लाइव क्लास शुरू होने वाली है, मजेदार रिविजन हो जाएगा, धांसू रिविजन हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्त हो जाएगा आपका ठीक है। और रेफरल कोड यूज कर लो जल्दी से, और जुड़ जाना सभी है ना प्लस पर, जुड़ जाना, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना सभी ठीक है। रेफरल कोड बता देते हैं एक बार फिर से आपको, या तो आप आनंद 1 यूज कर सकते हैं या आनंद YT10, और मैसेज डाल दो सब हमको 9039393224 पर ठीक है। चलिए, आई एम मेडिकल स्टूडेंट, GF से मिलने गए थे सर क्या? अच्छा नाइस सॉन्ग सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सभी को घर पे रहना है, विपिन जी आपको भी घर पे रहना है ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम यारो, स्टे सेफ, स्टे होम ठीक है। बाय बाय टाटा, मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर देना क्लास को, बिना लाइक करे मत जाइएगा ठीक है। चलिए, और शेयर कर देना है ना, अच्छी चीज को कोई शेयर नहीं करता, अच्छी चीजों को शेयर करो यारो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।